वेल बात करें करण जोहर के सेवेंथ सीजन ऑफ कॉफी विद करण की, एक एपिसोड ऑलरेडी आउट हो चुका है जिसमें हमें दिखाई दे रहे हैं रणवीर सिंह अलोंग विद आलिया भट्ट, और ये एपिसोड काफ़ी बड़ा हिट रहा है। बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोगों ने जो है इस एपिसोड को देखा है एंड डेफिनेटली काफ़ी लंबे समय के बाद ये सीजन की वापसी हुई है। सो दिस शो वॉज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड शोज एंड इट्स बैक। अब करण जौहर अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में अपने खुद के ही शो को क्रिंज और बिंज वॉच फिर भी होता है ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, मेरा शो क्रिंज है लेकिन फिर भी लोग बिंज वॉच करते हैं। आइए क्या कुछ कहा है करण जौहर ने आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी करण इक्वल। क्रिंज बिंज एंड गिल्टी प्लेजर व्यूविंग के लिए उनका शो जो है यानी कॉफ़ी विद करण, इस तरीके से करण जौहर अपने रीसेंट इंटरव्यू में कहते आए। वो कहते हैं कि लोग जो है मेरे शो को देखेंगे फिर भी क्रिटिसाइज़ करेंगे, मेरे वर्क को भी क्रिटिसाइज़ किया है मूवीज़ को, तो ये शो क्या ही है। आइए आपको बताते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। 19 नवंबर को 2004 में पहला सीज़न ऑफ कॉफ़ी विद करण आया था, उसके बाद जो है अब उनका सीज़न जो है काफ़ी लंबे समय के बाद हमें फिर एक बार दिखाई दे रहा है। और इसके ऊपर करण जौहर अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहते हुए नजर आए कि मेरे इस कॉफी विद करण शो में सब कुछ फन एंड एंटरटेनिंग में होता है, ओवरशैडो करता है रियल इंटेंट को, रियलनेस को। जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं एकदम इंटेलेक्चुअल वगैरह, यहाँ पे कुछ इंटेलेक्चुअल बनती नहीं है एंड इट्स अ क्रिंज बिंज, ठीक है। सो ये गिल्टी प्लेजर के लिए है, टाइम पास है, आप इसे जो कहना चाहो कहो, जब तक आप इसे देख रहे हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर आपको कोई इंटेंसिटी या कोई फोकस्ड वर्ड्स मिले जो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल हो, नॉन सेंसेशनल हो, तो फिर दैट्स ग्रेट, बिकॉज यू नो मैं मेरी मूवीज़ की तरह, मुझे जहाँ पे सीरियसली ले लिया जाता, मेरे शो को भी सीरियसली नहीं लिया जाता बाय द इंटेलेक्चुअल्स एंड इवन द पीपल जो टेलीविजन देखते हैं इसे एज अ गिल्टी प्लेजर देखते हैं। सभी लोग इस शो को देखेंगे लेकिन फिर भी क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो मुझे तो मतलब इसमें कुछ नया नहीं लगता। मैं बहुत बार क्रिटिसाइज़ हो चुका हूँ मेरी शो के लिए, बहुत सारे ब्लेम्स मुझ पे लगे हैं कि तुम्हारे वजह से ही हुआ है, तुम्हारे ही शो पे ऐसा बोला गया था इसीलिए ऐसा कुछ हुआ है। अरे भाई, मैं अपने खुद के शो को सीरियसली नहीं ले रहा हूँ, तो आप लोग मेरे शो को क्यों सीरियसली ले रहे हो। इट्स जस्ट अ सिंपल टाइम पास चैट शो उन लोगों के साथ जो इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। कोई पाथ ब्रेकिंग सिनेमैटिक बैरियर्स या इंटेलेक्चुअल बैरियर्स को हम ब्रेक नहीं करना चाहते। इट्स जस्ट मेंट फॉर फन एंड गेम्स। अगर आप चाहते हो तो देखो, नहीं चाहते हो तो मत देखो। गिल्टी प्लेजर बोलो या बिंज वॉच ऑफ क्रिंज बोलो, बट स्टिल आई थिंक आई लव माई शो, इस तरीके से करण जौहर कहते हुए नजर आए। इसके ऊपर आपको क्या कुछ कहना, आपका क्या है रिएक्शन, कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या आप देखते हो कॉफी विद करण, ये लिखना मत भूलिए। सी यू सून।